वेलकम बैक टू आवर चैनल शात्रा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आईजीबीटी वेल्डिंग मशीन का एसएमपीएस का बारे में। आज एक नया आईसी है जिस आईसी का नंबर है DK125। ये चाइनीज एक आईसी है उसके बारे में। फ्रेंड, इस आईसी के बारे में हम लोग पूरा एनालिसिस करके कैसे काम करता है और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड्स ये PC187 एक ऑप्टो कपलर होता है। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे ऑप्टिकली कपलिंग रहता है, कैसे आपका ये 24 वोल्ट या 15 वोल्ट जिस आउटपुट का वोल्टेज कैसे कंट्रोल होता है, एक हॉट साइड से फीडबैक लेता है, एक कोल्ड साइड से फीडबैक लेता है, सारे कुछ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को क्या क्लियर कर दे रहा हूँ, एक सर्किट को एनालिसिस करने के लिए जब आपके पास ऐसे स्कीमेट्रिक आपके हाथ में आएगा तो आपको कंसीडर करना है ये चीज ऑफ कंडीशन में आप इनपुट दोगे, धीरे धीरे सिस्टमेटिकली वो चीज वर्क करेगा। तो हम लोग ऐसे करके स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये दो पॉइंट है, इसमें 230 वोल्ट एसी दे रहे हैं, ये एसी का सिंबल है, एसी दे रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इधर से क्या हो रहा है। लेट अस कंसीडर ए फेज है, एक फेज है फ्रेंड्स, एक फेज है, ए न्यूट्रल है, ठीक है, ए न्यूट्रल है। तो देखिए फेज इधर से आ रहा है, इधर एक सिंबल लगा है फ्रेंड्स। ये सिंबल क्या है? ये सिंबल है पीटीसी का सिंबल है। फ्रेंड, जब भी आप ड्राइंग ऐसे स्टडी करोगे, कुछ नया सिंबल आपको लगा ये नया है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सिंबल का खेला है। बाकी ये जो स्कीमेटिक रीड करने के लिए आपको सिंबल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए बोलो पीटीसी। ये जो चीज लगा है डॉटेड कर दे रहा हूं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये पीटीसी है, ठीक है फ्रेंड। पीटीसी क्या है? पीटीसी ये है फ्रेंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका काम क्या है फ्रेंड? इसका काम है जब टेम्परेचर राइज होता है, एक पीटीसी का टेम्परेचर जब राइज होता है तब इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम लोग आर देके डिनोट करते हैं, ये भी राइज होता है। मतलब ये टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये भी रेजिस्टेंस भी राइज हो रहा है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और एक है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हम लोग पढ़े थे। क्या है इसमें? अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, और हीट जब बढ़ेगा टेम्परेचर मतलब हीट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो हीट कैसे बढ़ेगा? इसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो इसमें हीट बढ़ेगा। देखिए ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पीटीसी लगा है इसके अंदर से एक करंट आ जाता है, करंट आता है तो इसका करंट का जो वैल्यू है वह कम है, इसके वजह से ज्यादा हीट नहीं होता है। जिस हीट की वजह से जो जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये और एक चीज पता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप नोट कीजिए, अगर इससे अगर इसका ये पीटीसी के अंदर से ज्यादा वोल्टेज आएगा, सॉरी ज्यादा करंट आएगा तो ये हीट होगा, ये हीट हो रहा है, ये हीट होने के बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो देखिए करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, उसका रिजल्ट एंड जो प्रोडक्ट वोल्टेज भी फ्रेंड बढ़ रहा है, तो इसका एक्रॉस में सारे वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है, इसकी वजह से इस साइड में वोल्टेज नहीं आता है। ये कौन सी कंडीशन में होता है? जब इस जगह शॉर्ट सर्किट होता है तो पीटीसी ओवरहीटिंग होता है, क्योंकि पीटीसी के अंदर से ज्यादा करंट जा रहा है इसलिए पीटीसी हीट हो रहा है, इसके वजह से पीटीसी का अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसके वजह से इसके अंदर एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, इसलिए इधर वोल्टेज डिलीवर नहीं हो रहा है, ये सारे वोल्टेज ड्रॉप कर ले रहा है। तो ये अभी अगर क्लियर हुआ तो अभी तो ये हेल्दी कंडीशन में, इसलिए इसके अंदर से वोल्टेज आया, एक कैपेसिटर
कम करंट लिया इसको चार्ज करने के लिए, इधर एक कैपेसिटर लगा रहता है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर के बाद अब देख सकते हो इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर एक मेन फिल्टर लगा रहता है। ये कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल लिया हूं, ये 100 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है बस। और इधर देखिए न्यूट्रल आके इधर लगा है, ये न्यूट्रल को कंसीडर किया, इधर आके इधर लगा है, तो ये प्रॉपर डायोड बना। उसके बाद इधर वोल्टेज डीसी वोल्टेज बना, उसके बाद इसका फिल्टरिंग के लिए कैपेसिटर लगा। फिर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आ सकता है, इस जगह में कितना वोल्टेज बनेगा, ये क्या होता है पॉइंट, वो लाइन जो वोल्टेज है आरएमएस वोल्टेज है, ये पीक टू पीक वोल्टेज होता है, तो ये इधर पीक वोल्टेज कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप सिंपल वे में आइए फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, जो इनपुट वोल्टेज वोल्टेज इनटू रूट टू जितना होगा उतना इधर मिनिमम आएगा। एग्जांपल के लिए हम लोग इधर 230 वोल्ट कंसीडर किए थे इनटू रूट टू, ठीक है, जितना भी वोल्टेज आएगा ये इधर होगा। अभी इतना तक तो क्लियर हुआ। ये जो डॉटेड है फ्रेंड्स, ये जो दिखा रहा है, ये जो है, ये जो डॉटेड है, एक रिले है, रिले, ये रिले है, एक रिले है, इसका वोल्टेज है ऑक्सिलरी वोल्टेज 24 वोल्ट, 24 वोल्ट में ऑपरेट हो रहा है, लेकिन फिलहाल वोल्टेज इधर तक पहुंचा है हम लोगों का। आगे क्या हो रहा है, ये देखिए फ्रेंड, एक चॉपर ट्रांसफार्मर है। तो फ्रेंड कोई भी वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए, डेवलप होने के लिए दो चीज लगता है, एक होता है कंडक्टर और ये मैग्नेट, ये मैग्नेट लगता है, ये दो चीज लगता है। अगर ये दो चीज आपके पास होगा तो आपको ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। तो कैसे कंडीशन में होगा, दोनों का अंदर ए चीज एक है, एक वन है, ये दोनों का अंदर रिलेटिव मोशन होना चाहिए। कैसे रिलेटिव मोशन, लेट अस कंसीडर एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इधर से मैग्नेट ऐसे करके जाता है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक कंडक्टर लगा है, ठीक है। तो दो चीज हो गया, अगर आपको ये मैग्नेट फिक्स्ड रखना है, अगर आपका ये मैग्नेट फिक्स्ड है तो कंडक्टर को मूव कीजिए, तो उसका एक कंडक्टर का अंदर मैग्नेटिक वेरिएशन होता है टाइम का रेस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं डी फाई डी टी। पहले तो समझ लेते मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई रखे डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक, फाई उसका मैक्सिमम फ्लक्स, इसलिए फाई है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फ्लक्स करके डिनोट कर रहे हैं, ये टाइम का रेस्पेक्ट में वो चेंज होता है, इसलिए उसको डेरिवेटिव करना पड़ता है, डी फाई डी टी, ठीक है। मतलब बात जो हो रहा है, जे वो एक इंस्टेंट में मैग्नेट फिक्स्ड है, एक कंडक्टर के अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका ऊपर डिपेंड करके एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। इस ईएमएफ को हम लोग ई करके डिनोट करते हैं, उसका नेचर कैसे होगा, माइनस होगा, माइनस एन डी फाई डी टी। एन क्या हुआ है इधर, एन है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, वो जो कॉइल है इसका नंबर ऑफ टर्न्स, ये सारे बेसिक आपको पता होना चाहिए। अभी आ जाते हैं इधर क्या हो रहा है, इधर हम लोग एक कॉइल में, मतलब एक कॉइल जो है नंबर ऑफ टर्न्स, देखिए ये दिया, ये कॉइल के अंदर से दिया, कॉइल के अंदर से देने के बाद हम लोग क्या किया, इसको इस आईसी के थ्रू ग्राउंड कर दिया, इसका नेगेटिव के साथ लगा दिया, मतलब ये जी एन डी या माइनस वी सी सी ऐसे लिख सकते,
इसको प्लस वीसीसी, ठीक है। तो प्लस बीसीसी इसका इस आईसी के डीके 125 के थ्रू ग्राउंड कर रहा है, मतलब नेगेटिव में दे रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड, डीसी आ रहा है, डीसी फिक्स्ड डीसी, आप लोगों को लग रहा है कि ये तो फिक्स्ड डीसी है, फिक्स्ड डीसी है मतलब ये क्या कर रहा है, ये मैग्नेट तो फिक्स्ड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्लियर क्रिएट हो जा रहा है, और उसका मतलब मैग्नेट फिक्स्ड है, कॉन्टेक्टर जो उसके अंदर है वो भी फिक्स्ड है, ऐसे सोचोगे ना। तो मेरा जो रिलेशन है दोनों का अंदर रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तब जाके वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। इसलिए क्या करता है ये आईसी, इसको चालू बंद करता है, तो उसके वजह से क्या होता है इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में डीफाई डीटी चेंजेस हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब कॉन्डक्टर फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स ये कोर का अंदर पूरा सारे जगह में अलग हो रहा है, लिंकिंग हो रहा है, ये जो ये इसको बोलते हैं प्राइमरी साइड या हॉट साइड। अब लोग एसएमपीएस के बाद हो रहा है इसलिए तो हॉट साइड कॉन्सेप्ट बोले वो ज्यादा बेटर होगा। हॉट साइड इसको हॉट साइड बोलते हैं, इसको कोल्ड साइड बोलते हैं। तो हॉट साइड में मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है, इस कोल्ड साइड भी लिंक कर रहा है, उसके वजह से फ्रेंड्स क्या हो रहा है कोल्ड साइड का भी देखिए। सोचो ये तो मैग्नेट, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर चेंजेस हो रहा है, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होता है तब क्या होता है ये 24 वोल्ट जो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वोल्टेज कितना इंड्यूस्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज कर रहे हो, देखिए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, ए नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, ए वेरी करने से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने से ये में इंड्यूस चेंजेस होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स का ऊपर और मैग्नेटिक फ्लक्स का ऊपर डिपेंड करके इधर वोल्टेज बन रहा है। देखिए ये एसी वोल्टेज बना, इसके ऊपर हम लोग डीसी देखे, मतलब डायरेक्ट लगा के इसको डीसी किया, उसके बाद कैपेसिटर के लिए फिल्टरिंग के लिए कैपेसिटर लगाया, ये 200 माइक्रो फैराड 63 वोल्ट, 220 माइक्रो फैराड 63 वोल्ट, 63 वोल्ट लगाया। ये अलग भी हो सकता है आपका एप्लीकेशन में, आपका सर्किट में मिल सकता है। उसके बाद एक 10 के का डिस्चार्ज कैपेसिटर दिया है, उसके बाद देखिए इधर एक 4712 केवी का पीएफ लगा है, ये कैपेसिटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा, इससे रिपिल होता है। फ्रेंड्स रिपिल क्या होता है, रिपिल होता है कुछ डीसी का अंदर जो एसी कंपोनेंट छूट जाता है रह जाता है उसको रिपिल बोलता है। तो ये रिपिल बाईपास करने के लिए लगा है, रिपिल आया, फिर ये इधर प्योर डीसी बना। देखिए ये नेगेटिव ए ए ए उसका, अगर इसको माइनस बीसीसी बोलेंगे तो इसके कोल्ड साइड का अगर नेगेटिव बोलेंगे, जीएनडी बोलेंगे कोल्ड साइड का, कोल्ड ये कोल्ड साइड है, ये सारे कोल्ड साइड है, इसका नेगेटिव है। देखिए इसका जो नेगेटिव है, अरे सारे के कॉमन करके इधर करके ये नेगेटिव इधर आया है, इधर इसका कॉइल में दिया है, इसका जो ऑक्सिलरी कॉइल है रिले का, रिले में दिया है नेगेटिव, पॉजिटिव इधर से घूम के देखिए ऐसे करके करके इधर जाके दिया है। जब प्रोजेक्टिव बन गया, पॉजिटिव बन गया मतलब 24 वोल्ट डेवलप हो गया, ये रिले ऑपरेट हो गया। जब ये रिले ऑपरेट हो गया तब ये रिले नॉर्मली एनो था, नॉर्मल कंडीशन एनो, एनो नॉर्मली ओपन था, उसके बाद ये लगने के बाद ये क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। तो ये रिले पीटीसी के पैरेलल में लगा था, ये शॉर्ट हो गया, तो तब सर्किट इधर से काम कर रहा है, तब लोड में आ जाएगा, ठीक है। तो पीटीसी ऐसे काम करता है। फिर देखिए इधर आ रहा है क्या, इधर और भी एक कोल्ड साइड में टू वाइंडिंग है, और एक इधर से आइए, ये देखिए 15 वोल्ट होता है, आईजीबीटी के नॉर्मल केस में 15 वोल्ट रहता है, इसलिए मैं 15 वोल्ट बोल रहा हूँ। इधर एसी 15 वोल्ट डेवलप हुआ, इसके बाद डायोड लगा, डायोड लगने के बाद इधर आ गया। देखिए अभी है ये दो बाकी है, पता है ये आईसी कैसे वर्क करता है, इस आईसी का इंटरनली ऑसिलेटर लगा है, ये अपने आप स्विचिंग करता है, ठीक है। इसको अलग से स्टार्टअप वोल्टेज देने के जरूरत नहीं है, इसका जो इधर से जो एसी आ रहा है, डीसी आ रहा है, ए 5678 ओसी है, उसका ओसी पिन है, मतलब इसका मैनुअल में ओसी लिखा है। अब लोग इसको ड्रेन सोच के कंसीडर कर सकते हो, ड्रेन
तो ड्रेन के मतलब पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर से नेगेटिव जा रहा है, इसके अंदर इंटरनल रेगुलेटर है जो, उसके बाद इधर देखिए ये इसका जो चार नंबर पिन है ये वीसीसी पिन है फ्रेंड्स, ये वीसीसी पिन है, बट इसके अंदर वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इसके अंदर कैपेसिटर नहीं लगा, इसलिए बाहर कैपेसिटर का लाइन दिया रहता है। ये बाहर कैपेसिटर है 100 mmHg 50 volt का लगा रहता है, ठीक है, ये वोल्टेज लगा रहता है, ये चालू हो गया, ये जब चालू हो गया, जब जब वोल्टेज आ गया तब ये क्या करता है, देखिए इधर एक ऑप्टोकपलर लगा है, ऑप्टोकपलर है, ऑप्टोकपलर में आप लोग को पता है सर, पता तो है फिर भी रिवाइज कर रहा हूं, ऑप्टोकपलर में जो एक साइड में डायोड लगा रहता है और एक साइड में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और इमिटर रहता है, जो डायोड है लाइक ए बेस काम करता है, डायोड ब्लो करेगा तो उसके हिसाब से इधर से वोल्टेज पास होगा। तो क्या हो रहा है, इधर से देखिए ये जो डायोड है इसका एनोड और कैथोड, एनोड में नेगेटिव है, कैथोड से नेगेटिव आ रहा है घूम के, उसके बाद देखिए एक 10K का रेजिस्टेंस लगा है, 10K का रेजिस्टेंस लगा है, 10K का रेजिस्टेंस लगा के एक जेनर डायोड है, इस केस में 15 वोल्ट इधर आउटपुट होना चाहिए इसलिए 15 वोल्ट का जेनर लगा है, अगर इधर 24 वोल्ट जरूरत था तो इधर 24 वोल्ट का जेनर लगता, 15 वोल्ट चाहिए इसलिए 15 वोल्ट का जेनर है, इसका एनोड है, इसका कैथोड है। तो देखिए ये नेगेटिव आके एनोड में लग रहा है, मतलब रिवर्स बायस में काम कर रहा है, उसके बाद देखिए इधर से होके पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव आके कैथोड में लग रहा है, तो ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है। जब इस जगह में 15 वोल्ट का जेनर है, 15 वोल्ट प्रेजेंट हो जाता है, ये रिवर्स बायस में काम करता है, इसके वजह से इसका इंटरनली से करंट फ्लो होता है, ये लाइट ब्लो करता है, ये लाइट जब ब्लो करता है तब क्या करता है, देखिए जो ऑप्टोकपलर का कलेक्टर है चार नंबर पिन से वोल्टेज आके इधर से होके जाके ये जब ये लाइट जलता है तो इमिटर से आउटपुट होके इसका तीन नंबर पिन में दे दिया, तीन नंबर पिन है फीडबैक का पिन है, फीडबैक का पिन है, उसका ऊपर डिपेंड करके ये इसका ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करता है उसका आउटपुट में, मतलब ये D5 DT और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इसके अंदर चेंजेस हो रहा है ऐसे इस सर्किट के थ्रू मेंटेन कर रहा है, वो मेंटेन करता है। उसके बाद देखिए इधर एक PM लगा है, ये इसका अंदर जब ये सारे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है उसके अंदर भी जब चेंजेस की वजह से एनर्जी स्टोर होता है, रिलीज होता है, तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, ये आउटपुट में वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेगा, इसलिए इस जगह को एसी को बाईपास करने के लिए 10K का PF लगा के ग्राउंड के साथ जोड़ दिया, बट अभी हुआ, बट कहीं कहीं भी आप लोगों को मिलेगा इसका ये जो ऑप्टोकपलर है उसका अक्रॉस में मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रहेगा 2.2K करके रेजिस्टेंस ऐसे लगा सकता है वो करंट लिमिटिंग करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्किट का डिजाइन के ऊपर करंट लिमिटिंग करने के लिए लगा रहता है, मतलब तब ये क्या करेगा तुरंत काम नहीं करेगा, इसका अंदर से पैरेलल में भी जा रहा है तो करंट लिमिटिंग करने के लिए भी लग सकता है। बाकी हम लोग इधर आते हैं, ये क्या है, स्नैपर सर्किट है, SNUBBER स्नैपर सर्किट है। स्नैपर सर्किट का क्या काम है, देखिए कोई भी IGBT या कुछ है उसका ड्रेन टू सोर्स एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, उससे ऊपर जब चला जाएगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो इस जगह में अगर इसका जो ये जो डिजाइन है इसके ऊपर जब चला जाएगा ये तब ये IC डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए सर्किट बना रहता है। लेकिन बात जो है ये वोल्टेज कहां से आएगा ऊपर, ये तो हम लोग तो दे रहे हैं, अगर इस जगह में हम लोग कंसीडर करते हैं ये 330 वोल्ट DC आ रहा है तो 330 वोल्ट DC आएगा उस ऊपर कैसे आएगा। बात ये है जब ये डीमैग्नेटाइज होता है, जब ये डीमैग्नेटाइज होता है, एक बार मैग्नेटाइज हुआ डीमैग्नेटाइज हुआ, जब डीमैग्नेटाइज हुआ जैसे इस दो टर्मिनल में वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ, ये भी तो एक कॉइल है, इसका एक कॉइल है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब इधर वो वोल्टेज इंड्यूस्ड करेगा, उस वोल्टेज जाके उसका जो नेचर है वो क्या होता है अप्लाइड वोल्टेज का 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग करके होता है, मतलब क्या होता है हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए एक्स एक्सिस है करंट है, ठीक है करंट है, इनपुट करंट है कंसीडर कर लिया,
ठीक है, इनपुट करंट को कंसीडर कर लिया, वाई एक्सिस में अपवर्ड इसको हम लोग इनपुट वोल्टेज भी इनपुट वोल्टेज कर लिया। बट जब इसका अंदर जब वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा उसका जो नेचर है ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब इधर से इधर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री फेस शिफ्टिंग करके देगा। तो 180 डिग्री जब फेस शिफ्टिंग करके देगा तो इधर जो इस केस में ओसीआर जीएनडी है जिसका जो ग्राउंड है उसका जो रिवर्स वोल्टेज है ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे ऊपर चला जाएगा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत हाई है तो चला जाएगा तो इसको डैमेज कर देगा। इसलिए क्या कर रहा है, पहले में इस जगह में पॉजिटिव गया था, इस जगह में नेगेटिव हुआ था, लेकिन जब ये मैग्नेटिक कोलैप्स हो रहा है इस जगह में नेगेटिव हो रहा है, इस जगह में पॉजिटिव हो रहा है, तो इधर आपका वोल्टेज एसी वोल्टेज बना, ये एनोड एक कैथोड एक फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, इधर से वोल्टेज गया, एक 63 के का रेजिस्टेंस एक 100 के का पीएफ देके ये दोनों को पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बना के वोल्टेज को डीसी करके इधर से घुमा दिया, ऐसे लाइक ऐसे करके घुमा दिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस वोल्टेज इस लूप में चला गया, उसके वजह से ये खराब नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है ये ऐसे काम कर रहा है। फिर इसमें दो तीन चीज आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जब आप लोग रिपेयर करोगे इस आईसी खटाक को डैमेज मिल गया तो 100% आपको इस सेक्शन को चेक करना पड़ेगा, और ये सेक्शन खराब हो जाएगा नया आईसी लगाओगे तो फूट जाएगा, ठीक है। फिर फीडबैक सेक्शन में क्या कैसे होगा, अगर आउटपुट में शॉर्ट नहीं है फीडबैक सेक्शन जितना भी खराब हो आउटपुट में एक बार पल्स मारेगा, मतलब एक बार वोल्टेज इनपुट होगा उससे आपको इंड्यूस होगा उससे आपको पता चलेगा। फ्रेंड ये आउट ये जो कंट्रोलिंग सेक्शन है ना फ्रेंड्स, ये कोल्ड साइड से भी कंट्रोल हो सकता है, हॉट साइड से भी कंट्रोल हो सकता है, और कोल्ड साइड से मैं जो देखा हूं मेरा जो एक्सपीरियंस के बेसिस में नंबर थ्री नंबर सब होता है, एक ए ऐसे करके होता है, एक TL431 देके होता है, एक NPN ट्रांजिस्टर देके होता है, ये सारे चीज हम सिखाते हैं, वो मेरा जो ट्रेनिंग होता है कैसे वेल्डिंग मशीन काम करता है कैसे रिपेयर होता है उस सारे में हम ये सब चीज मेरे स्टूडेंट को सिखाते हैं कवर भी करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरा ट्रेनिंग ले सकते हो, और फ्रेंड्स ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा ले सके और हम एक यूनिटी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।